आज मैं आप लोगों के साथ फूली फूली भटोरे के जैसी आलू पूरी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो 10 से 15 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। इसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बना के खा सकते हैं, या फिर घर में कोई गेस्ट आ जाए तो उन्हें भी बना के ये पूरी खिला सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, हमेशा एक ही तरह के पूड़ियाँ बनाते रहते हैं। कुछ अलग खाने का मन करे तो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। अगर आप कहूँ जा रहे हैं सफ़र पे तो ये पूड़ी को बना के ले जा सकते हैं। ये 2-3 दिन तक ख़राब नहीं होती है और एकदम सॉफ्ट रहती हैं। तो पूड़ी बनाने के लिए हम 1 कप सूजी ले लिए। बनाने के हिसाब से कोई भी मेजरमेंट सेट कर लीजिएगा, कटोरा गिलास जो भी हो आपके पास वो सेट कर लीजिएगा। तो हम 1 कप सूजी ले लिए हैं भर करके, और सूजी कोई भी हो, मोटा हो बारीकी हो, तो हम बॉल में सूजी को ट्रांसफ़र कर दिए हैं। और जितना सूजी है उतना गुनगुना पानी ले लिए हैं। तो पानी को थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा, एक बार में ज़्यादा पानी ऐड नहीं कर दीजिएगा। मतलब सूजी है ना जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और गीली हो जाएगी, तो आपको फिर बहुत ज़्यादा आटा इसमें मिलाना पड़ेगा। 1 कप सूजी थी तो 1 कप इसमें हम पानी मिला दिए हैं, और इसे 10 मिनट ढक करके रेस्ट के लिए रख देंगे। मैं आलू की मसाला पूड़ी बना रही हूँ, तो सबसे पहले एक उबला हुआ हम आलू ले लिए हैं और इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। कटोरा हम सूजी लिए हैं तो 1 गो आलू लिए हैं, 2 कटोरा लेंगे सूजी तो उसमें 2 गो आलू डालेंगे उसी के हिसाब से। बड़े साइज का आलू हम लिए थे, आलू को हम यहाँ पर कद्दूकस कर लिए हैं ताकि आलू अच्छे से बारीक हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जमाइन लिए हैं, इसे क्रश करके इसमें डाल देंगे। इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1/2 छोटा चम्मच कलौंजी, जिसे मंगरेला बोलते हैं। 1/2 छोटा चम्मच इसमें चिली फ्लेक्स हम ऐड कर रहे हैं। 1/2 छोटा चम्मच खड़ा जीरा ऐड कर दिए हैं। 1/4 टीस्पून यहाँ पे हम काली मिर्च के पाउडर डाल दिए हैं। साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा कटा हरा धनिया। टेस्ट के अकॉर्डिंग 1/2 चम्मच इसमें नमक डाल दिए हैं। 1 चम्मच इसमें तेल ऐड कर दे रहे हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम पहले मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे कटा हुआ हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, ज़्यादा स्पाइसी खाना हो तो। आलू को अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं, जो सूजी पानी में भिगो के रखे थे उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। सूजी और आलू दोनों सॉफ्ट है, गीली है, तो इसके बाइंडिंग के लिए हम 1 कप गेहूँ का आटा लिए हैं। जितना सूजी लिए थे उतना ही आटा लिए हैं, तो एक बार नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करेंगे और डालेंगे। कई बार आपको आटा थोड़ा सा कम लगेगा, कई बार ज़्यादा लग जाता है, डिपेंड करेगा कि आलू में कितना ज़्यादा मॉइस्चर है। यहाँ पे सूजी पानी आलू की तीनों का क्वांटिटी बराबर ही थी। यहाँ पे 1 टीस्पून हम तेल डाल करके अच्छी तरह से मसल दे रहे हैं। ऐसे ही आटा लगा ले तो इस आटा को रेस्ट के लिए नहीं रखना है, तुरंत ही आटा गूंथिए और पूड़ी बनाना स्टार्ट कर दीजिए। गैस पे गर्म होने के लिए तेल चढ़ा दिए हैं। ये जो पूड़ी है ना, भटोरे के तरह एकदम फूली फूली बनती है। इसकी लोई तोड़ ले तो ये पूड़ी को हल्की सी मोटी रखनी है, चाहे तो हाथों में सूखा आटा या तेल लगा ले कि थोड़ी ये चिपकती है। मैं यहाँ चकले के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा देती हूँ, और बेलन के ऊपर भी तेल लगा देंगे, तब जाके पूड़ी हम बेलेंगे ताकि चिपकेगी नहीं हाथों में न बेलन के ऊपर। और हल्का सा मोटा पूड़ी को बेलेंगे, एकदम पतला नहीं करेंगे। ज़्यादा पतला कर देंगे तो ये पूड़ी है ना अच्छे से फूलेंगे नहीं। हमने इस पूड़ी का साइज थोड़ा सा बड़ा रखे हैं और थोड़ा सा मोटा रखे, आप देख सकते हैं। तो आप चाहे तो इस पूड़ी को छोटे छोटे बना सकते हैं। पूड़ी को उठा करके हम प्लेट में रख ले रहे हैं, और एक बात का ध्यान जरूर दीजिएगा कि पूड़ी को जब डाले तो तेल अच्छा गर्म होनी चाहिए, और मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही पूड़ी को तलिएगा। तो आप देख सकते हैं पूड़ी कितना बढ़िया फूल रही है और फूली फूली बनती है, इतने अच्छे से एकदम गुब्बारे के तरह पूड़ी फूल रही है। पूड़ी को अचार के साथ भी खा सकते हैं, चाय के साथ भी खा सकते हैं, सब्जी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सारा पूड़ी हम सेम तरीका से तल लिए हैं। बहुत ज़्यादा ये पूड़ी टेस्टी लगती है खाने में। करीब 10 से 12 मिनट में ये पूड़ी बनके तैयार हो जाती है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत सॉफ्ट बनती है ये पूड़ी। ये पूड़ी आप ऐसे भी खा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार आप ज़रूर बना के खाएं। हम दही और अचार के साथ सर्व किए हैं। तो कैसी लगी ये रेसिपी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं।